हे गाइस, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब जो बात करते हैं वो ये है कि हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म क्या होता है किसका? एटीएम का। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, किसी भी समय पैसा, स्वचालित टेलर पैसा, स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। यहाँ पे देखिए, जो इंग्लिश में हमारे पास लिखा हुआ है वो ये है, एक तो ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ये है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर मशीन तो ये जो डी और सी ऑप्शन है, यानी कि स और द ऑप्शन है, यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारे पास जो सही आंसर होगा ये होगा, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो ये है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इस सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसलिए इसका जो ट्रांसलेट किया गया है वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, स्वचालित टेलर मशीन। यानी कि इंग्लिश में याद रखिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब बात करते हैं एटीएम क्या होता है। तो एटीएम जो होता है वो होता है सेल्फ सर्विस बैंकिंग आउटलेट। आउटलेट एक तरीके से हम दुकान मान सकते हैं कि जो जहाँ पर क्या होती है, सेल्फ सर्विस होती है। जैसे आप जाइए उस एटीएम आउटलेट में, जाइए वहाँ पे जाइए और अपना एटीएम दीजिए, पिन डालिए और पैसा विड्रॉ करके वापस आ जाइए। यहाँ पे आपने खुद ही कार्य किया। बैंक में क्या होता है, आपने वहाँ पे रिसिप्ट दी और बैंक वालों ने आपके पैसे दिए। यहाँ पे आपको खुद पैसे एटीएम से निकालने पड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विस बैंकिंग आउटलेट। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे वो होगा स्वचालित टेलर मशीन, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं, याद रखिए, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, थैंक यू।